हेलो एवरीवन, जा रहे हैं हम लोग अभी अपने कॉलेज जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। छोटा सा काम है, अपना प्रोफेशनल डिग्री लेना है, बिकॉज डिग्री देने में कॉलेज मेरा बहुत लेट कर रहा है। तो प्रोफेशनल डिग्री उठाएंगे, जूनियर से मिलेंगे, खाना पीना करेंगे एंड वापस आ जाएंगे। छोटा सा ट्रिप है 2 दिन का एंड अकेले जा रहे हैं, सो इट्स माई फर्स्ट सोलो ट्रैवल। ऑब्वियसली पहले बहुत बार कर चुका हूँ, लेकिन ब्लॉगिंग के लिए इट्स माई फर्स्ट टाइम। चलते हैं एंड आपसे कल मिलते हैं। बाय बाय। पहुँच गए बस स्टेशन एंड टाइम टू बोर्ड दी ट्रेन। देख लो अपना B1 है, B1 में चढ़ते हैं एंड कल आपको जलपाईगुड़ी में मिलते हैं। डेस्टिनेशन जलपाईगुड़ी। हेलो, गुड मॉर्निंग। और थोड़ी देर है, ऑलमोस्ट रीच कर गए जलपाईगुड़ी रोड। तो अगर आपको जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जाना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। मैं प्रिफरेबली जलपाईगुड़ी रोड उतरता हूँ एंड आपको जगह दिखा देता हूँ, मस्त जगह है। वेदर भी बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। यहाँ ट्रेन से ही पूरा चाय बागान दिख जाता है, लाइक लेफ्ट राइट हर जगह आपको चाय बागान ही दिखेगा। एंड कुछ देर में ट्रेन से हमारा कॉलेज भी दिखने लगता है। सो दूर में जो बिल्डिंग्स देख रहे हो वही हमारा कॉलेज है। जो लास्ट में येलो बिल्डिंग दिख रहा है वो 4th ईयर है एंड जो ब्लू बिल्डिंग दिख रहा है वो NVU कैंपस है हम लोग के कॉलेज के पास। आगे हम लोग जलपाईगुड़ी रोड, यहाँ से हमारा कॉलेज अराउंड 10 मिनट्स पड़ेगा बाई टोटो। सो ये है हमारा गेस्ट हाउस वेयर आई एम स्टेइंग। तो ये है रेगुलेशन फॉर द गेस्ट हाउस, दिस इज आवर रूम। There is a 2-bedroom, सिंगल बेडरूम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है एंड इट हैज़ कॉस्टेड मी 600। मैं आपको बाहर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल बेडरूम एंड डबल बेडरूम मिल जाएगा। एक्वागार्ड फैसिलिटी है एंड वॉशरूम्स भी है, सो परफेक्ट स्टे फॉर 2 पीपल इफ यू वॉन्ट टू स्टे हियर। चलते हैं लंच के लिए एंड आपको तब तक मैं थोड़ा सा कॉलेज का भी टूर करा देता हूँ। तो ये आपका भाईदा कैंटीन है एंड कॉलेज में इस रोड को माया रोड बोला जाता है। जेट लेटर का इवेंट होता है यहाँ पे, कल्चरल फेस्ट। तो उस टाइम वॉल पेंटिंग के टाइम यहाँ पे सारे वॉल्स पेंट किए जाते हैं। 2 साल से कल्चरल पेंटिंग नहीं हुआ इसलिए द पेंटिंग्स हैव गॉट ओल्ड। सो अभी आपको ले जा रहा हूँ मैं चौमाथा मोड़ बोलते हैं हम लोग इसको, बिकॉज ये वाला जो मैं रोड से चल के आ रहा हूँ इधर से आप विलेज जा सकते हो। राइट में जो जाता है रोड वो एक्चुअली है फॉर द कॉलेज, लेफ्ट में जो आप रोड देखोगे वो जाता है NVU यूनिवर्सिटी। सो ब्लू बिल्डिंग, ब्लू कलर का बिल्डिंग जो आपको मैं ट्रेन से दिखाया था, दैट वॉज द NVU बिल्डिंग। एंड स्ट्रेट अगर मैं चलते रहूँ तो आई विल रीच दी हॉस्टल्स। उन लोगों का एवरी ईयर के लिए एक हॉस्टल अलग है एंड एवरी हॉस्टल में अपना इंडिविजुअल कैंटीन भी है। सो लेट मी शो यू। सो दिस इज फर्स्ट ईयर हॉस्टल, ये हॉस्टल नंबर 2 है, इसका रूम नंबर 25 में मैं रहता था बैक इन 2017। एंड दिस इज पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज, बाउंड्रीज आप देख सकते हो जस्ट पास में ही है। यहाँ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग पढ़ने आते स्टूडेंट। सो ये है ओवल, हमारा सबसे बड़ा मार्ट, और अभी आप देख रहे हो कि इंटर कॉलेज क्रिकेट कंपटीशन चल रहा है।
एंड दूर में अगर देख रहे हो असीमदा का कैंटीन, चार ईयर में सबसे बेस्ट कैंटीन यही है असीमदा का कैंटीन। तो ये हमारे कॉलेज का दूसरा हॉस्टल, हॉस्टल नंबर 1, यहाँ पे सेकंड ईयर्स रहते हैं। ये हमारा बास्केटबॉल कोर्ट, सामने जो आप देख रहे हो यहाँ लाइट जल रहा है, दैट इज सुनील दा का कैंटीन, मीटिंग ग्राउंड ऑफ थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। ज़्यादातर रात को अगर आपको भूख लगेगा तो अभी यहीं से ऑर्डर करोगे, क्योंकि रात को अपना अंदर का कैंटीन बंद रहता है, बट सुनील दा पूरे रात तक अपना दुकान खुला रखता है। सो काइंड ऑफ चाय अड्डा वही होता है हम लोग का, होता था सैडली। तो ये थर्ड ईयर का हॉस्टल है, हॉस्टल नंबर 4। सो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल हॉस्टल अमंग ऑल द 4 ईयर्स। मस्त इसका डिज़ाइन है, और यहाँ पर मेरा रूम 211 था। दिस इज द फुटबॉल ग्राउंड, तो आप अभी देखिए वहाँ पे इंटर टीम क्रिकेट चल रहा था, लाइक इंटर कॉलेज क्रिकेट, यहाँ पे फुटबॉल होता है। ये भी अच्छा ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे फुटबॉल चलता है। ये एमटेक अंडर कंसिड्रेशन, एमटेक का हॉस्टल बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है काफ़ी दिनों से, लाइक जब से मैं आया तब से अंडर कंस्ट्रक्शन ही, पता नहीं कब खत्म होगा। एंड सामने आप जो देख रहे हो दैट इज 4th ईयर का हॉस्टल। ये जो ब्लू बिल्डिंग है दैट इज़ एनबीयू का बिल्डिंग, मतलब 4th ईयर का बाउंड्री के बाद ये एनबीयू का बिल्डिंग स्टार्ट होता है। इधर अगर दूर में अगर आप उसको गेट देख पा रहे हो, दा जो रास्ता आपको दिखाया था वही से, उसके पास अगर आप येलो बिल्डिंग देख रहे हो दैट इज़ कॉलेज का मेडिकल स्टोर। फ्री में आपको दवाई ववाई चाहिए तो वहाँ से मेडिकल है, वो वहाँ पर ले सकते हो येलो बिल्डिंग। एंड दिस इज फाइनली हॉस्टल नंबर 3। दिस इज 4th ईयर का हॉस्टल। सो ड्यू टू कोविड हम लोग ये हॉस्टल में कभी रह ही नहीं पाए सैडली, बट हाँ वी हैड सीनियर्स एंड मैं इनके रूम में आता था फॉर लर्निंग कंपिटेटिव प्रोग्रामिंग, एंड कभी कभी मस्ती के लिए भी आ जाते थे। तो ये हॉस्टल नंबर 3 4th ईयर हॉस्टल का, एंड दिस इज द फाइनल हॉस्टल। चलिए आपको थोड़ा चाय बागान भी दिखाई देता है। तो यहाँ से मैं आया 4th ईयर के हॉस्टल से, एंड आफ्टर देन दी राइट रोड दैट आई हैव टोल्ड यू, तो जस्ट इसके पीछे आपको हॉस्टल नंबर 3 है। ठीक है, चाय बागान। अब यहाँ से आप चलना शुरू करो तो आपको चाय चाय ही चाय दिखेगा हर जगह। यहाँ से आप चल चल के रेलवे ट्रैक्स तक जा सकते हो। हम लोग फ्री टाइम में वही जाकर अड्डा मारते थे, लेकिन मेक श्योर आप अंधेरे में मत जाओ, बिकॉज तो मैं सुना यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी निकल के आते कभी कभी। सो दिस वॉज दी चाय बागान। ये आपका न्यू ऑडिटोरियम, जस्ट रिसेंटली बना, मे भी एक दो बार यूज़ पे आया। कोविड का टाइम पे यहाँ पे पेशेंट्स लोग को रेस्ट करने का बेड दिया गया था, एंड दैट इज़ द एंट्रेंस टू द ओल्ड ऑडिटोरियम। यहाँ पे सारे बड़े इवेंट्स होते हैं। दिस इज़ अ स्मॉल चिल्ड्रन पार्क, अगर देख रहे हो सामने, एंड दोज़ आर स्टाफ क्वार्टर्स अगेन, एंड नाउ आई विल शो यू अपना कॉलेज। चलते हैं। तो ये मेरा कॉलेज, छोटा सा चिल्ड्रन पार्क है ज्योति के बच्चों के लिए। सो इफ आई स्पीक अबाउट ज्योति, वो जैसे प्रिविलेज जैसे लोग के लिए, दे हैव कम फ्रॉम अ पुअर फैमिली बैकग्राउंड,
देखो हम लोग फ्री क्लासेस देते हैं कॉलेज के स्टूडेंट दो में आप येलो बिल्डिंग और वर्कशॉप एंड वो है साइकिल स्टैंड दिस इज़ अ पोस्ट ऑफिस एंड ये आईटी का डिपार्टमेंट एंड उसमें से आप आईटी का डिपार्टमेंट पहुँच जाओगे एंड इधर सीएसई और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सो ये हम लोग के कॉलेज का मेन एंट्रेंस एस्टैब्लिश्ड सॉरी बज रहे हैं शाम के 5 एंड मैं जा रहा हूँ एक छोटा सा सेशन लेने कोडर्स क्लब के लिए सो व्हाट इज़ कोडर्स क्लब ये वही क्लब है जिसने मेरे को जॉब दिलाया एंड मुझे इस लायक बनाया कि मैं दूसरों को भी उतना कैपेबल बना पाऊँ जिससे वो अपना डेटा सक्सेशन एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग कर पाए एंड कंपनीज़ के इंटरव्यूज फोर पाए सो छोटा सा सेशन लेना फर्स्ट सेकंड ईयर के साथ एंड उसके बाद आप लोग से मिलते हैं बाय बाय पार्शियल प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा है तुम अगर पार्शियल पार्ट भी सॉल्व कर पाए तो तुमको पार्शियल मार्किंग भी मिलेगा बट सॉल्व चैलेंज में क्या होता है कि 2 घंटे में पूरा 6 प्रॉब्लम 7 प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है एंड उसमें से तुमको रेटिंग वगैरह मिलता है तो व्हाट इज रेटिंग ठीक है तो यहां से आता है व्हाट इज रेटिंग रेटिंग डिफाइन योर सीवी लेवल्स कोडर्स क्लब में प्रेजेंटेशन देना हो चुका है सारे जूनियर से बात हो चुका है एंड अभी करंट थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के साथ आ चुका हूँ मैं गोल्डन ट्यूलिप एंड अराउंड 23 पीपल आ चुके हैं हाय बोल दो मिलते हैं कल रात डिनर के बाद आई स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम विद माई जूनियर्स बहुत देर रात हो गया था 3 बजे तक बट आई फॉरगॉट टू मेक अ वीडियो ऑन इट सब चीज़ों का वीडियो तो बनाया नहीं जा सकता बट द इमोशन वॉज वेरी नाइस सुबह सिलीगुड़ी गए RRR मूवी देखा अभी कॉलेज वापस आ चुका हूँ लंच नहीं कर पाया बिकॉज मेरे को जलपाईगुड़ी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना था तो हम लोग अभी मेन हब ऑफ जलपाईगुड़ी आगे जाने काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह भी है मुझे वुड नॉट कवर बट या कलम तलाओ एंड वहाँ से सारे प्लेसेस विल बी नियर टू यू बी फूड और शॉपिंग सो लोकल फूड खा के मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज घूम लिया एंड अभी वापस आ गया हूँ मैं जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन एंड ट्रेन विल बी अराइविंग इन 15-20 मिनट्स एंड हम लोग जा रहे हैं वापस घर